सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, नोकिया ने और एक स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया, वो है नोकिया 4.2। इसमें जो प्रोसेसर आएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439। इसमें 3GB और 32GB के वेरिएंट में मिलेगा। इसमें जो डिस्प्ले होगा 5.7 इंच के HD+ डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रहेगा और फ्रंट पे रहेगा 8 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये फ़ोन की कीमत आप लोग क्या सोचोगे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 9,000 या 10,000? नहीं, ऐसा नहीं, इसका प्राइस आ रहा है कुछ 11,000। मगर 11,000 होगा तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली नोकिया का फ़ोन एक्सपेंसिव होता है, उसीलिए उसका कीमत भी थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हम लोग देखा था नोकिया 5.1 प्लस का प्राइस एकदम सही था, मगर उसके बाद से जो भी फ़ोन आ रहा है उसका प्राइस एकदम सही नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस प्राइस में बहुत अच्छा अच्छा फ़ोन मिलेगा, कुछ रियलमी के मिलेगा, कुछ रेडमी के तरफ से भी मिलेगा। तो आप क्या सोचोगे, ये फ़ोन लोगे या नहीं लोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। चलिए जान लेते हैं आज के टेक न्यूज़ क्या क्या है। दोस्तों कुछ दिन पहले सैमसंग के जो फ़ोन आया था, सैमसंग फोल्ड, आपने तो सभी तो देखा ही होगा, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम भी आया था। इसलिए सैमसंग ने बोल दिया है कि उसका जो फोल्ड फ़ोन आया था वो कुछ दिन बाद आएगा। कब आएगा वो और कुछ बोला नहीं, मगर ये फ़ोन के बहुत लोगों ने प्री बुकिंग भी कर लिया है, तो उसका पैसा क्या होगा? तो सैमसंग की तरफ से बोला गया है कि 31 मार्च के पहले सबके सब पैसा उसको रिफ़ंड हो जाएगा। जो जो रिफ़ंड लेने चाहते हैं वो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहते वो कुछ दिन वेट कर सकते हैं। मगर आपको क्या लगता है, ये लोग सब पैसा रखेगा कि या पैसा रिटर्न कर लेगा? क्योंकि सैमसंग अभी तक बोल नहीं पाया कब तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो इशू आया है बहुत ही मेजर इशू आया है, डिस्प्ले टूट रहा है। तो इसके कारण सैमसंग ये लेकर बहुत ही सीरियस है, उसी लिए उसको टोटल कंप्लीट करने के बाद ही भेजेगा। तो उसी लिए बहुत लोगों ने जो ये फ़ोन के प्री ऑर्डर में बुकिंग किया था, तो उसको अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो 31 मार्च के पहले आप लोग आपके पैसा रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। और सुबह हमने एक वीडियो डाला था रेडमी नोट 7 प्रो और रियलमी 3 प्रो के कुछ प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर यूट्यूबर बोलता ही नहीं है ये सब प्रॉब्लम को लेकर। और हमने जो भी बोला है, हमारे बंगाली जो चैनल है उसमें भी आप देख सकते हो, जो हमारा ओपिनियन रहता है वो ऑनेस्ट रहता है, उसमें कोई झोलझाल नहीं रहता है। और इसमें भी जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताया है। अगर कोई लेना चाहते हो तो पहले ये वीडियो देख लो, देख के जान लो, उसके बाद आप ये रेडमी नोट 7 प्रो या रियलमी 3 प्रो दोनों फ़ोन ही ले सकते हो। एक्चुअली दोनों फ़ोन ही अच्छा है, कैमरे की तरफ से अच्छे, मगर कुछ प्रॉब्लम है, उसी को लेकर ये वीडियो है। आई बटन में क्लिक करके आप देख लेना, मगर ये वीडियो ख़त्म करने के। दोस्तों, AI के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको काम पे लगा के अभी प्लेन में भी बहुत से काम हो रहे हैं AI को लेकर। और चाइना AI सिस्टम में बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रहा है। यस, चाइना में जो रोड में भी CCTV कैमरा होता है उसमें भी AI सिस्टम है। और 20 साल पहले के एक क्रिमिनल जो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो उसको AI टेक्नोलॉजी के जरिए उसको पकड़ लिया पुलिस ने। जो भीड़ में जब रहता है, सब भीड़ में जो CCTV कैमरा होता है उसमें जो AI टेक्नोलॉजी है, और AI टेक्नोलॉजी में उस भीड़ में पर्टिकुलर वो क्रिमिनल को पहचान कर लिया AI, और उधर से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो सोचिए अभी AI टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो रहा है। हम लोग जैसे मूवी में देख रहे हैं कि AI टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हो रहा था। आपको याद होगा कुछ 2002 साल या 2005 साल में एक मूवी आया था रोबोकॉप नाम के, तो रोबोकॉप में भी AI टेक्नोलॉजी दिखाया था, कोई कैसे AI टेक्नोलॉजी के जरिए में सब क्रिमिनल को पकड़ रहे। तो एकदम वही सिस्टम से इसको भी पकड़ लिया, मगर ये AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है कैमरा में। तो दोस्तों सोचो, AI और भी जब दिन आगे आएगा, और भी साल जब चला जाएगा, यानी कि 2020 तो चला जाएगा, 2025-30 में ये AI टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। AI को लेकर और भी एक खबर आ रहा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट उसके सिस्टम में AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग को कुछ भी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट में टाइप करते हैं तो क्या होता है, कभी भी गलती करता है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या होगा, हम लोग कभी भी कोई गलत टाइप कर लिया तो AI उसको सही कर देगा, और जो ग्रामर में भी प्रॉब्लम होगा उसको भी सही कर देगा। यानी कि AI टेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग जब कंप्यूटर वर्ल्ड में कुछ भी काम करें तो उसमें कुछ भी गलत हो गया तो उसको ठीक कर देगा AI।
दोस्तों रियलमी एक्स आने वाला है, आप लोग सभी को पता है 15 तारीख को आने वाला है, चाइना में वो लॉन्च होगा। उसके कुछ लाइव इमेज आ गए, उसको लाइव इमेज जो आ गए उसमें दिखाई दे रहा है कि उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा कुछ 91.2%, यानी कि बहुत ही अच्छा उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा, बहुत ही पतला होगा। और एक खबर आया है उसके लिए पॉपआउट सेल्फी कैमरा को लेकर, उसका पॉपआउट सेल्फी कैमरा जो रहेगा वो 2 लाख बार ऊपर नीचे कर सकता है, यानी कि आप इस फ़ोन को लोगे तो 2 से 3 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत। तो और एक खबर आ रहा है रेडमी की तरफ से, रेडमी एक्स या रेडमी फ्लैगशिप जो बोलोगे, रेडमी फ्लैगशिप भी आने वाला है, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। रेडमी की तरफ से बोला गया है कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसको 13 तारीख को होगा, और उसमें कुछ ये जो रेडमी का फ्लैगशिप बोलो या रेडमी का एक्स बोलो उसके बारे में कुछ बात होगा। तो सोचो 15 तारीख को रियलमी का एक्स आएगा और उसके 2 दिन पहले रेडमी उसके अनाउंसमेंट कुछ करेगा या कुछ बोलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके फ़ोन को लेकर या उसके फ्लैगशिप फ़ोन को लेकर। तो अभी क्या है रेडमी का और रियलमी का जो वॉर चल रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस वॉर में एक चीज़ अच्छा है जो आम आदमी जो फ़ोन लेता है उसके लिए, क्योंकि वो दोनों जब वॉर करेगा तो कुछ तो उसमें से अच्छा होगा कि प्राइस कुछ कम होता है तो हम लोगों को भी फ़ायदा ही होता जा रहा है। दोस्तों ऑनर 20 के एक सीरीज लॉन्च हो रहा है लंदन में कुछ 20 मई 2021 में, और इसके 2 फ़ोन के कैमरे के लीक्स आ गए, एक है ऑनर 20 और एक है 20 प्रो। 20 और 20 प्रो का जो कैमरा सुन रहा था कि ट्रिपल कैमरा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसका क्वाड कैमरा होगा जिसमें एक रहेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए होगा या सुपर वाइड एंगल के लिए होगा, एक रहेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रहेगा, एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट लेने के लिए होगा, यानी कि इसका 4 सेंसर रहेगा और पिक्चर बहुत अच्छे क्वालिटी का आएगा। एक्चुअली ऑनर का कैमरा बहुत ही अच्छा होता है, तो इसमें जब 4 कैमरा आएगा तो ये बहुत ही अच्छा आएगा और इसका इमेज भी आएगा। और एक चीज़ है 21 मई में जब लंदन में ये इवेंट होगा उसके बाद कुछ 10 या 15 दिनों के अंदर ही इंडिया में भी कुछ फ़ोन आ जाएगा, तब आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी बजा के रखो, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो हम लोग नया अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।